ऑल राइट गाइज, तो आज हम एक लाइफ लेसन के बारे में बात करेंगे। लोगों के लिए बहुत मतलब डीप बात है। मैं आपको पहली बार मतलब पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती। अभी इवेंट होती है ना, तब इनसे सीख लिया करो। अब देखो, आपने ये देखा होगा, ये क्या है, ये बहुत वायरल हो रहा है। ये बंदा है, इसका नाम है अलोक मौर्या। ये ग्रुप 4 में काम करते थे बाबूजी, होंगे कोई ग्रुप 4 होता ना, ग्रुप डी में, फोर ग्रुप फोर में वो करते थे। तो इन्होंने अपनी सेविंग करी, काफ़ी सारा पैसा बचाया। तो इनकी वाइफ थी ज्योति मौर्या, तो उनके लिए इन्होंने उनको पढ़ाई करवाई, सब कुछ करवाया, तो उनको SDM बना दिया। पढ़ाई करवा के मतलब पैसा तो लगता ही है ना, तो उनको SDM बना दिया। अब उनको क्या हुआ, जो इनकी वाइफ थी वो इनको छोड़ के चली गई है। वो किसके साथ चली गई है, एक मिनट, वो कमांडेंट ऑफिसर के साथ चली गई है, एज इक्विवेलेंट माई डैडी, तो उस पोस्ट के बंदे के साथ चली गई है। तो क्या हुआ, अब जो अलोक मौर्य साहब है, जो ये हस्बैंड साहब है जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट करे थे, उनके ऊपर इन्होंने रजिस्टर्ड करवा दिया दहेज का केस। अब वो चली गई मैडम उनके साथ, और इनके इनको फंसा दिया। पहले तो कॉन्स्परेसी करी थी भी उसको मार देंगे, लेकिन क्या हुआ, उसको दहेज केस में ही फंसा दिया उल्टा। और सुनने में आया कि उनकी द कपल हैज़ 8-year-old ट्विन डॉटर्स, तो उनके पास 2 डॉटर भी हैं। और हस्बैंड को कब पता चला, हस्बैंड को तब पता चला जब उनकी चैट पकड़ी गई, तब जाके उनको ये सब पता चला। अब ये बंदा सोच रहा है कि मेरे को न्याय मिले। देखो पहली बात, अब हम लोग की बातें करते हैं थोड़ी, ठीक है, फिर मैं आपको कुछ मिलियन डॉलर एडवाइस दूंगा उसको समझाना। देखो पहली बात, अब जैसे मान लो इन्होंने क्या करा, अफेयर करा, ठीक है, 497 हटा दिया, अडल्ट्री इज नो लॉन्गर ए क्राइम, कोई क्राइम नहीं, इसकी मर्जी, इसकी इसकी इच्छा, इसकी मर्जी, ठीक है। अब जो इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, जो अलोक मौर्य साहब ने जो पैसा इन्वेस्ट किया लड़की के ऊपर, क्या वो उसको रिकवर कर सकते हैं? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज जी नहीं। क्यों? क्योंकि यार देखो, उन्होंने वॉलेंट्री दिया था, वॉलेंट्री समझते, अपनी इच्छा से दिया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हुआ था। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तो उसको मिल जाएंगे, अदरवाइज कोई पैसा उसको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसने अपनी इच्छा से इन्वेस्ट किया था, एज ए वाइफ लव एंड अफेक्शन में उसको पैसा दिया था कि चल भाई तू तैयारी कर, मैं दूंगा, ये है वो। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था कि भाई जब मैं SDM बन जाऊंगी तो मैं तेरा पैसा रिटर्न कर दूंगी, या ये वो फलाने दिखाना। रही बात दूसरी, अगर इसकी वाइफ माइनर होती तब जो हस्बैंड है वो रिकवर कर सकते थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाके, वो होता ना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, सप्लाई गुड्स वाला। लेकिन अब इसकी जो वाइफ है वो माइनर तो है नहीं, मेजर है, तो वो उसकी चॉइस है, वो दे या ना दे, ठीक है। अब यहाँ सीखने को क्या मिलता है, यार देखो सीखने को ये मिलता है, मैंने एक वीडियो पहले ही बताई थी कि हस्बैंड साहब 3 गलतियां ना करें, इधर आ रहा होगा आप देख लेना, उसमें भी मैंने बहुत चीज़ें बताई थी कि भाई देख लेना यार उसको, आप बहुत डिटेल में बताया था कि भाई क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली आई हाईली बिलीव इन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज में बिलीव करो यार। इलाज तो हो, इलाज तो कोई भी कर देता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और परहेज सबसे अच्छे होते हैं, इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता, होश नहीं रहता, बाद में जब सब कुछ होता है फिर मुंह फाड़ के डोलते रहते हैं न्याय दिलवाओ, ये न्याय दिलवाओ। अब देखो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इनकी काट के चले गई। अब देखो मेरी ऑडियंस को क्या ध्यान रखने की बात है, क्या मतलब उनको ध्यान रखना चाहिए, तो यार देखो शादी से पहले ना, पंडित के चक्कर काटने से पहले ना, एक बार वकील साहब के पास जाया करो आप। पंडित के जाने से पहले वकील साहब के पास जाया करो कि सर ऐसा ऐसा है, क्या मेरे को कुछ एडवाइस दो, नहीं पता तो इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर दिया करो, मैं ही तुम्हें सलाह दे दूंगा। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें यार ऐसी होती है मैं कैमरे में बोल नहीं सकता उनको, वो पर्सनल होती है। अब लोगों की फटती है पर्सनल वो लेने में, अरे फ्री है यार फ्री, तो समझ रहे हो, कैमरे पे वो चीज़ें बोली नहीं जाती, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो जाता है। सो आप अपने एडवोकेट से मिलो शादी से पहले, और वो वीडियो बनाइए वो देख लेना। अभी ना कुछ दिन जा रहे हैं, 2030 तक देखना लोग, 2030 के बाद लोग शादी वादी करना छोड़ देंगे, जब तक ये लॉज है ना, ये फालतू के लॉज है, और मतलब लड़कियों को जो फेवर करते हैं, क्योंकि इनकी तो चॉइस है। अब देखो लड़के के लिए कोई कंपनसेशन नहीं है भाई, DV में कोई कंपनसेशन नहीं है, छोड़ गई छोड़ गई, उसकी चॉइस है यार। 497 इज नो लॉन्गर ए क्राइम, सिंपल, जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट थिंग आती है कि उसने जो पैसा दिया उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने वो वॉलंटरी दिया था भाई, तेरे कोई चुल्ल मच रही थी देने की, अब झेलो। आना मुन्ना भैया एक बार इनको समझाओ। ओके सो आई होप इट इज क्लियर, तो क्या कर सकते हैं, ओके बाय। साला कोई हाथ उठा के देखता था, चीज का हाथ में धर देता उसके, प्यार मेरे से ज्यादा प्यार कौन कर सकता है उसको।